पुलिस वाले की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी तो मार्केट लगने नहीं दे रही थी। जैसे कि आतिक भाई बिचारे काफी परेशान है, क्योंकि काफी सेलर सारे परेशान है। फिर पुलिस वालों को जो है ना यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है। बात हो रही वीडियो बना रहे तो उसको भी पकड़ रहे हैं, तो अतिक भाई जरा जल्दी भाग जाए। सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं लालू के संडे बर्ड मार्केट में मौजूद हूँ। तो मार्केट का व्यू देखिए, मार्केट तकरीबन पूरी की पूरी खाली हो चुकी है और काफ़ी डिस्टर्ब है मार्केट, क्योंकि काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ घूम रही थी, केएमसी वाले तो सब चीज़ें उठा के लेके जा रहे थे। बाकी टूटी फूटी वीडियो बनी हुई है, इसमें हमने बर्ड्स तो नहीं जा रहा था, तसरात लोग जानने की कोशिश की कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है और ये आखिर क्यों हो रहा है, वजह इसकी क्या है, उसके इसका सलूशन क्या है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट में आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं कि भाई आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो चलिए भाई आप वीडियो देखें। आतिक भाई बेचारे काफ़ी परेशान है, क्योंकि काफ़ी सेलर सारे परेशान हैं, क्योंकि भाई बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको रेट बता दूँ, रिंग नेक 4,500 का है, पाड़ी जो है ना वो 12,000 रुपये का। ये देखिए सेलर बेचारे बड़े परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस वाले आ रहे तो बिल्कुल लगाने नहीं दे रहे मार्केट। तो बाकी ये मस्किल की सूरत हाल है, मैंने सोचा था आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूँ। और इस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरफ देखिए आप, बिल्कुल सन्नाटा हो गया मार्केट में। इस तरफ देखिए आप, पूरा रोड क्लियर हो गया, ये देखिए आप। तो असल बात यही है, और ये फिदा भी भाई भी हमारे पास साथ मौजूद है, इनसे भी तस्वीरें लेंगे। ये देखिए इस तरफ भी देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई, कैसे आप? अल्लाह का करम है, पता नहीं दूसरा माइक क्या गया, कहाँ गया, मैं देखता हूँ। नहीं है ये दूसरा है। अच्छा मार्केट ये पकड़ो था, लाए कुछ नहीं होंगे मेरे खास ना, मुश्किल है जी। बताएगा जरा मार्केट तो अभी डिस्टर्ब करती, थोड़ी देर पहले मैं आया था भाई। मत पूछो, आज तो भाई डंडे और भगारा बहुत है, मसला ये है कि बस क्या तो नहीं हुआ आपका नुकसान वगैरह? यार एक भाई दोस्त था हमारा, उसका पिंजरे लेके चला गया। अच्छा जी, अब वापस मिला नहीं है। दुआ है कि अल्लाह सबके लिए आसानी वाला मामला करे। देखो धूप भी अलग है और गरीबों का बेचारा का बुरा हाल है यार, क्या करे यार। उधर बकरों का भी यही हाल है, बकरे वाले भी इस तरह हाल है। हाँ वो भी भगा रहे हैं तो यार, हम लोग के लिए एक जगह देना चाहिए, प्रॉपर जगह दे दे। हम लोग के लिए एक जगह देना चाहिए ना, जगह देना चाहिए। क्या हम लोग का कोई शौक थोड़ी है कि हम लोग रोड के ऊपर कुछ बेचे? रोड के ऊपर कारोबार है, सही बात है। चलो सही है, जज़ाकअल्लाह भाई आपकी, ठीक है सही है। ताकि थोड़ी अपडेट देनी ताकि पता चले मार्केट में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाही भाई। वालेकुम सलाम, क्या है आपके? ठीक है, ठीक ठाक। मार्केट भाई अभी आए जिस तरह तो भागा दौड़ी चल रही, पहले थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। देखिए जब हम अक्सर अपनी वीडियो में ये मेंशन करते रहते हैं कि भाई खुदारा जो रोड वाली साइड है यहाँ पे जो है ना सेलिंग परचेसिंग से गुरेज करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर परचेसर आते हैं वो सेलिंग परचेसिंग करते करते रोड पे निकल जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी तो रश बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर अस्पताल भी है यहाँ पे और लोगों के घरों घर वगैरह भी है यहाँ पे, तो मजबूरन फिर उनकी तरफ से शिकायत आती है पुलिस वालों को, फिर पुलिस वालों को जो है ना यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है। और मार्केट जो बाहर निकली होती है रोड वाली साइड पे, तो यहाँ पे फिर इनको डंडे भी मारे जाते हैं और उनको जो है ना गाड़ियों में भी डाला जाता है। अब पिछले दो हफ्ते से जो है ना मार्केट में पुलिस वाली की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी तो मार्केट लगने नहीं दे रही थी। अभी लास्ट संडे जो गुजरा है इसमें थोड़ी सी नरमी की गई थी, लेकिन फिर वही देखने को मिला कि जो है ना सेलर परचेजर जो है फिर वो बीचों बीच रोड के जो है ना वो सेलिंग परचेजिंग करने लग गए। तो आज फिर वही सूरत हाल है, असल में गलती जो है ना वो यहाँ पे जितने भी सेलर हैं उनकी मैं ज़्यादा समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि जब आपको एक कोना कांचा दिया गया है कि भाई आप साइड पे रह के अपना काम वाम करें, लेकिन नहीं, पता नहीं इनको क्या लगता है कि यार रोड वाली साइड पे खड़े होने से परिंदे जल्दी बिक जाते हैं, मुझे तो समझ से बाहर है। ठीक है, हल क्या है? हल इसका यही है कि अब तो जिस तरीके से यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी कहा था और केएमसी के जो बड़े हैं कामरान भाई ने भी कहा था कि भाई मैं जो है ना ये लोग मार्केट दोबारा लगने नहीं देंगे। ठीक है, तो अब आपको हर इतवार को ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि भाई पुलिस वाले आएंगे, लोगों को डंडे भी मारेंगे और लोगों को गाड़ियों में भी डालेंगे। तो मैं पूछा कि गरीब का क्या होगा, गरीब बंदे का क्या होगा? गरीब बंदे का देखें, अगर देखा जाए जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा था कि भाई लोग कह रहे हैं कि यार 40-50 साल से ये मार्केट लगती है। ठीक है, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर 40 साल से लग रही है या 50 साल से लग रही है मार्केट तो इलीगल है ना। ठीक है, तो हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी यही कहा था कि यार आप कोई मुतबादिल जगह दें। उन्होंने बताया कि यार रेलवे के पास है, और उन्होंने खुद मेंशन किया कि मैं कई दफ़ा जो यहाँ पे सेलर हैं उनको बता चुका हूँ कि आप वहाँ जाके जो है ना सेलिंग परचेजिंग किया करें। ठीक है, लेकिन ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही और कोई इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा। अब जब तक हम इस बात को सीरियसली नहीं लेंगे तब तक काम नहीं चलेगा इस तरीके से। थोड़ा सा मैं दिखाया तो ये देखिए पूरा काफ़ी गाड़ी आई हुई है पुलिस की, देखिए आप। तो
चलो सही है शाहिद भाई, बहुत मेहरबानी आपकी तसरात कर लोगों से भी अगर देखते कोई मिलता है उससे भी तसरात देते हैं जी। ये देखिए व्यूअर्स, थोड़ा सा दुकान वाले से बात हो रही है क्योंकि दुकानें वगैरह भी बंद है, आराम से बोल रहे हैं। देखिए आप थोड़ा सा रश लगा हुआ है, देखिए रश लगा हुआ है, रश नहीं लगा तो मेरे को ये समझना कि दुकानें वगैरह क्योंकि बंद करवा रही है, थोड़ा सा समझ से बाहर है ना। देखिए आप दुकान बाहर तो, लेकिन अभी पता नहीं कोई इस मामला वगैरह देखिए चल रहे, तो ये रश वगैरह लगा हुआ है। देखिए आप ये असल बात है, रोड ब्लॉक हो जाता है इसकी वजह से ये आकार है। तो ये हमारे साथ अवेश भाई मौजूद है, तो ये भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं यहाँ पे मार्केट आए हुए, मेरे ख्याल से अफारी हो गए जी। भाई वालेकुम सलाम, कैसे हो भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से भाई अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले भाई मैं ये बताना चाहूँगा भाई, आज जो है मार्केट की ऐसी सूरत हाल है, यकीन माने आधा घंटा पहले जो है ना मार्केट भरी हुई थी, अच्छी लगी हुई थी। हाँ, और बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई थी। दरअसल मैं एक्जोटिक की साइड से जैसे इधर आया हूँ ना, तो यकीन माने यहाँ पे उसी वक्त जो है ना, अभी तकरीबन 15-20 मिनट पहले सारे एक मोबाइल आई है, ठीक है, पुलिस आई है, 3-4 गाड़ियाँ, SHO भी आया था। तो यही इलाके में किन ने जो शिकायतें की हैं उस वजह से जो है यहाँ से ये लोगों को भगा रहे हैं, ठीक है, और लेकिन ये वापसी आ जाते हैं फिर भगा देते हैं, अभी यही सीन चल रहा है। और अभी भी आई थी पुलिस, भगा दिया था सदर में, तो कुछ नहीं हो रहा सदर में भी, आज से बाकी डिस्टर्ब। हाँ, आज सदर में भी इस तरह का एक हुआ था, वहाँ पे मसला हुआ था, वहाँ पे रोड ब्लॉक हो रहा था, मेन रोड था सदर में ना, इम्प्रेस मार्केट के पास, तो मेन रोड जो है ब्लॉक हो रहा था, उस वजह से जो है फिर वहाँ से भी परिंदों वालों को थोड़ा सा गली के अंदर कर दिया था, लेकिन वहाँ पे इतनी परेशानी नहीं थी जहाँ यहाँ पे उससे ज्यादा है। आप क्या बोलते हैं इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है किसकी है? इसमें गलती यही ब्रीडर्स की है। अब इसमें सारे नहीं है, मतलब कुछ ब्रीडर है जैसे 20-25 लोग हैं जो रोड के ऊपर लगाते हैं, तो उनकी वजह से जो है फिर पूरी मार्केट को ये सजा भुगतनी पड़ रही है। ये लोग बीच में लगा रहे हैं तो उस वजह से जो है ना, अब खुदा ना खासा फिर से आ गए, देख लें आप। हाँ सही हो गया, तो बस यही सीन है। अभी जो है ना कोई वीडियो बना रहे तो उसको भी पकड़ रहे हैं, तो अभी भाई जरा जल्दी भाग जाए। अभी नहीं है भाई, किसी का कुछ नहीं बोलता ना, कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, ये बात वीडियो बना रहे, किसकी वीडियो थोड़ी बना रहे, ये तो है भाई, साइड में जो खड़े हो रहे हैं ना, अब उनको भी खड़ा नहीं होने दे रहे, यही मसला हो रहा है अब सारा रास्ता भाई खोला रखना चाहिए जो साहब बात है। चलो सही है, कोई मसला नहीं है भाई। जल्द क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी ठीक है माशाल्लाह, अभी तक तो वैसे तो मेरी फिजिकल ठीक है, बाकी मार्केट की ठीक नहीं है। पोजीशन पे डायरेक्ट चोर पुलिस का खेल चल रहा है असल में। सब रेडाइस के ऊपर है, नीचे 25 के पियर है, मीटर पियर है, बिल्कुल 800 रुपये का पियर है रेडाइस का, 25 वाले भी 800 रुपये का पियर है। अच्छा अभी आया हुआ है, बाकी ऑफर लगाई दी है मैंने। हाँ भाई क्या है? दूसरी बात ये कि 5 या 5 रेट बताइएगा, बता रहे बहुत ज़्यादा। KMC DMC आई हुई है गाड़ियों में, पीछे गाड़ी डाल के लेके जा रही है लोगों को। हल ये प्रॉपर आप बता दें कि किस तरह मैनेज करना है लोगों को, किस तरह मैनेज, कैसे करिए सर, ठीक ठाक है? अगर नहीं है क्या लाए भाई, लोटी नो लाए, बड़े पेयर है, क्या हिसाब है? 3,000 रुपए। अच्छा ब्रीडर है या फर्स्ट ब्रीड वाले? फर्स्ट ब्रीड वाले पहली दफा ब्रीड करेंगे। और पीछे ये क्या है, अल्बाइनो? बड़े हैं पट्टे, ये भी बड़े हैं, क्या हिसाब है? 8,500। अच्छा सिंपल है, स्प्लिट इनो है, साथ है, सही है, ठीक है। और ये ग्रीन का एक पीस है 1,500 रुपये। और नीचे क्या है, ये बड़े पेयर है, क्या हिसाब है? ये 13,000 रुपये। पाँच कितने? 5,000। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। तो व्यूअर्स, ये थी लालू के बर्ड्स मार्केट की वीडियो, और वीडियो क्या थी आपके सामने थी भाई, सारा ड्रामेबाजी हो रही, समझ नहीं आ रहा कि भाई मार्केट में चल क्या आ रहा है भाई, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, थोड़ा दिखाओ इसको आगे, फिर थोड़ी बहुत बहाल होना शुरू होगी, ये सारे रोड पे आना शुरू हो गए, अब थोड़ी देर के बाद फिर एक आरान सायरन बजेगा तो ये पूरा रोड फिर क्लियर हो जाएगा, और कोई भाई पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। तो इसका भाई मुस्तकिल हल यही है मेरे हिसाब से, कोई इनको मुतवादी जगह दे दी जाए ताकि ये मामला नहीं हो। बेचारे गरीब लोग हैं, दूर दूर से आते हैं, रोज़गार वगैरह करते हैं, कुछ उनकी भी गलतियाँ हैं, कुछ बाकी इंतजामिया की भी गलती है, तो भाई ये कि इनके लिए कोई प्रॉपर जगह का इंतजाम किया जाए। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी, अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।